Hello everyone, welcome to our channel Knowledge Hub. Friends, subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो केमिस्ट्री की क्लास डिस्कस करेंगे, जिसमें कि जो आज आपका लेक्चर है वो 101 है. ऑलरेडी 100 क्लासेस हम कर चुके हैं, सो प्लीज़ एक बार जाके गो थ्रू कर लो, क्योंकि ऑलरेडी हमने लास्ट जो क्लासेस किया था उसमें हमने केमिकल कॉम्बिनेशन के बेसिस पे जो हमारे लॉस थे वो हमने डिस्कस किया था, जिसमें आपका कॉम्पोजिट डेफिनेट कॉम्पोजिशन था, जिसमें मास ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था, दैट इज़ नीदर क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड, दैट वॉट वी हैड डिस्कस्ड. एंड द लास्ट क्लास में हमने जो आपका गे लुसैक था लॉ, उसको हमने डिस्कस किया था. उससे पहले हमने उन्हीं के बारे में ही डिस्कस किया है बिफोर ऑल्सो. सो हमने अभी तक 4 लॉस डिस्कस कर लिए. जो ये वाला लॉ है एवोगैड्रो लॉ, ये लास्ट लॉ है और ये ही हमारा लास्ट लॉ है एंड इम्पॉर्टेंट लॉ भी है, जो कि फ्यूचर में भी हमें इम्पॉर्टेंट इसके बारे में पढ़ना पड़ता है. सो अबाउट दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप हमारा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल सो दैट वी गेटिंग द सब्सक्राइबर एज वेल एज वीडियोज गोज टू एनी अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो, सो दैट दे डोंट गेट येट टिल द डेट. सो प्लीज़ गो थ्रू विद ऑल द क्लासेस एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड लाइक अवर वीडियोज एंड प्लीज़ डू शेयर अवर वीडियोज सो दैट मैक्सिमम एंड मैनी पीपल कैन गेट द इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्लासेस. So we start with the Avogadro number here in that in 1811, as I said, मैंने last class में बताया था कि जो गे लुसैक थे उन्होंने 1811 में ही Avogadro के बारे में ज़्यादा अच्छे से बताया था, तो दैट वी हैव टू गो थ्रू. सो 1811 Avogadro proposed the equal volume of gases at the same temperature and the pressure should contain equal number of molecules. So here with what Avogadro proposed that equal, अगर equal volume of gases हमने लिया है एक same temperature same pressure पे, तो उनके जो number of molecules होंगे वो भी same ही होंगे, equal ही होंगे. Avogadro made a distinctions between the atoms and the molecule, which is a quite understandable in the present time if we consider again the reactions of hydrogen and oxygen to produce the water. So Avogadro ने ये distinction, ये difference बताया कि atoms और molecule जो होते हैं, ये इस तरह से आप समझ सकते हो कि अगर हम present time की बात करते हैं तो हम जो reaction करवाते हैं hydrogen oxygen की, तो वो produce water कैसे produce करते हैं, so that what we have to actually understand about that. The hydrogen and oxygen were considered as diatomic as recognized now, जैसा कि अभी हम लोग recognize कर चुके हैं कि like atom of oxygen and hydrogen they are the diatomic, so that they are discussed accordingly. So the Daltons and the other believe at the same time that the atom of the same kind cannot be combined with molecules of oxygen and hydrogen containing that atom that did not exist. तो जो exist नहीं करते उस टाइप के एटम से obviously बात है वो react नहीं करवा पाएंगे. Avogadro proposed was published in the French journal the Physio. जो हमारा Avogadro proposal था जो कि उन्होंने publish करवाया था आपका फ्रेंच जर्नल दी फिजियो में, वहाँ पे भी ये पब्लिश्ड हुआ था आफ्टर द लॉ व्हाट ही हैज़ गिवन. आफ्टर दैट, आफ्टर अबाउट 50 इयर्स इन 1860 फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन केमिस्ट्री वाज हेल्ड इन कार्लसरूहे. तो अगर 50 साल के बाद 1860 में वहाँ पे फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई जो कि केमिस्ट्री पे बेस्ड थी, जो कि कार्लसरूहे में हुई थी जर्मनी में, टू रिजॉल्व द वेरियस आइडियाज. एट दिस मीटिंग ऑफ स्टैनिस्लाओ कैनिज़ारो प्रेजेंटेड अ स्केच ऑफ कोर्स ऑफ केमिकल फिलोसफी, जहाँ पे जो आपके स्टैनिस्लाओ कैनिज़ारो थे, इन्होंने एक स्केच ऑफ कोर्स बताया था केमिकल फिलोसफी के बारे में, विच एम्फेसाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ Avogadro's वर्क. तो वहीं पे ही Avogadro ने जो वर्क परफॉर्मेंस किया था, जो कि वो इन्हांस करना चाह रहे थे, उसके एक कोर्स ऑफ स्केच ऑफ कोर्स जो बताया था उन्होंने Avogadro ने, उसके अकॉर्डिंग आपके कैनिज़ारो ने, तो कैनिज़ारो के स्केच ऑफ केमिस्ट्री के बारे में जब उन्होंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया था, उसके अकॉर्डिंग ही उसके बाद ही वो इम्पॉर्टेंस ऑफ Avogadro का जो काम हुआ था उसके इम्पॉर्टेंस के बारे में डिस्कशन हुआ था. एंड देन आफ्टर दैट वो फर्दर टेक इट आउट किया गया कि हाँ ओके दैट विल बी कंसिडर्ड एज इन अ केमिस्ट्री. सो दैट वॉट वी हैड डिस्कस इन दिस क्लास. द Avogadro लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो गो थ्रू विद ऑल द क्लासेस विच वी हैड डन एंड डू अवर लाइक अवर वीडियोज एंड शेयर अवर वीडियोज सो दैट मैक्सिमम मैन विल गेट दैट इन्फॉर्मेशन. थैंक यू, होप यू एंजॉय दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव अ थम्स अप एंड गिव योर सजेशन ऑन अ कमेंट बॉक्स.